हेलो। हेलो मैडम। नहीं नहीं आपसे नहीं, उनसे बात करूंगी। ये तेरे को बोलती है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई और दुनिया में आ गए हैं और पुरानी दुनिया नीचे रह गई है। सुंदर, क्या मैं कभी कभी तुमसे यहाँ आकर मिल लिया करूँ? बै। तुम्हारे काम में डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? बै। बै बै। अरे बे बे क्या करता है, पहले एक को संभाल ना, बे बे करता है। क्या हमारे गुजराती में है ना बे आने दो, इसका मतलब क्या है? दिन में दो वक्त मिलने को आने का, सवारे सवारे ने बपोरे बपोरे चौकस। थैंक यू। खास तौर पे पायल का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप है, लेकिन मैंने सभी जानबूझकर नहीं किया। वो बात एक गलत फहमी से शुरू हुई और इतनी दूर आ गई कि कहीं मैं पायल को खोना दूं, इस डर से मैं सच बोल ही नहीं सका, बस झूठी बोलता रहा। पायल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो चाहे सजा दे सकता हूं। ग्रेट सुंदर, तुम तो बहुत ही बड़े एक्टर निकले, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया है। हम सब इनके बोलने की बात करते रहे, उन्होंने हमारी खुद की बोलती बंद कर दी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी इतना नीच होगा। आज के बाद आदमी की औकात देकर उसे संबंध बढ़ाना पायल। और पायल तो इसकी तारीफ करते थकती नहीं थी। यू लायर, यू फ्रॉड, धोखेबाज, निकल जाओ यहाँ से। पायल मेरी बात सुनो। शट अप, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। यू लायर, पायल एक बार मेरी बात सुनो। यू फ्रॉड, पायल मेरी बात सुनो। जस्ट गेट आउट, गेट आउट ऑफ हियर। पायल, पायल, हाय, ये तो शर्माता भी है, इतनी उम्र हो गई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? दरअसल मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। हाँ। देखने में कितना सुंदर है। मेरा नाम भी सुंदर है। माजू। वाह वाह, क्या अदा है। हाय हाय, बैठिए ना। मंजू, तुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैं शादी करूंगी तो किसी गांव के लड़के से ही करूंगी, और जो आर्टिस्ट भी हो। गांव में क्यों? क्योंकि गांव वाले बहुत भोले भाले और मासूम होते हैं, खुली हवा में सांस लेकर गाजर मूली खाकर कितने कितने तंदुरुस्त होते हैं।